हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले आम की मीठी अचार आप रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। ये बनाने में बहुत कम टाइम लगती है। हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत, लेकिन कोई मेहनत नहीं है। इंस्टेंटली अब इसको बना के खा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं बहुत दिनों के लिए। और तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर। मीठी अचार बनाने के लिए मुझे कच्चा आम चाहिए। मैंने यहाँ पर लगभग 1 किलो जैसा आम लिया है। आम जो कच्चा और खट्टा होना चाहिए, तभी जो टेस्ट है बढ़िया आएगी। मैंने यहाँ पर 6 आम ली है। आम को छील लेना है। मैं लंबे शेप में आम को काटा है, आप यहाँ पर दिखा रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। 2 टीस्पून नमक मैंने यहाँ पर लिया है। हल्दी मैंने यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब स्पून की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। फिर धूप में देना है 3 से 4 घंटे के लिए। एक साथ जो वाटर है इसका, वो निकल जाएगी, सूख जाएगी धूप में देने से। धूप से लाने के बाद आप देख सकते हैं आम के जो एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल चुकी है, सूख गया है आम। अब मुझे जो नेक्स्ट चाहिए गुड़। मैंने यहाँ पर लगभग 750 ग्राम गुड़ यूज़ किया है। इसे मैंने बारीक से तोड़ लिया है। अब इसकी चाशनी बनाने के लिए मैं कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी गर्म होने के बाद मैं इसमें जो गुड़ है उसको ऐड करूँगी। धीरे धीरे सारे जो गुड़ है उसको ऐड कर लेना है। गुड़ जो मैंने सारे ऐड कर लिए हैं, अब इसको हल्के हाथों से चलाते रहना है जब तक ये चाशनी ना बने। गुड़ जो है एकदम मेल्ट हो चुकी है, चाशनी एकदम रेडी है। अच्छे से चला लेंगे, नहीं तो गुड़ जो है नीचे बैठ सकती है, जल सकती है। अब मैं इसमें आम को ऐड करूँगी। धीरे धीरे सारे जो आम है इसमें ऐड कर देना है। कोट हो जाना चाहिए आम और गुड़ जो है, अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। अच्छे से चला लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक मैंने थोड़े से नमक ऐड करना है। अब इसको टेस्ट कर ले, आपको अगर लगे नमक देना तभी आप नमक दे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर पकने देंगे 8 से 10 मिनट तक। आम जो है पक गई है, आप देख सकते हैं। इसमें अब मैं विनीगर ऐड करूँगी। 2 टीस्पून में विनीगर ऐड करूँगी। अब विनीगर ऐड करने के बाद आप गैस ऑफ कर दें। गैस ऑफ करके फिर से अचार को 3 से 4 घंटे धूप में देना है। धूप में देने से अचार जो है बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होती है। धूप से लाने के बाद अचार आप देख सकते हैं कुछ इस तरह दिख रही है। इसमें जो गुड़ है बहुत घना हो चुका है। अब बारी आती है मसाला ऐड करने के लिए। कढ़ाई पे सबसे पहले ऐड करेंगे लाल मिर्च। मैंने यहाँ पे 7 से 8 लाल मिर्च लिया है। खुशबू आने तक इसको भूनेंगे अच्छे से। अब मैं दिखा रही हूँ, देखिए मैंने लाल मिर्च अच्छे से भून गई है। अब इसे निकाल लेंगे। सारे जो मसाला को भून लेना अच्छे से। नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी धनिया। लाल मिर्च की तरह इसे भी अच्छे से भून लेना है। मेरी धनिया भी है लगभग हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सौंफ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है मीडियम टू लो ही रखे, नहीं तो मसाले हो जल सकते हैं। मेरे जो मसाले हैं अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। धनिया और सौंफ ऐड किया। अब मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च। सारे मसालों को एक साथ पीस लेंगे। अब ढक्कन मैंने बंद किया। अब मेरी मसाला जो है हो गई है। अब इसको ऐड करूँगी आम के मिक्सर के ऊपर। चम्मच की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे इसको मिक्स करना है। सो गाइस, मेरी जो ये अचार है, आप उसको रोटी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर चाहे आप सिर्फ ऐसे भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत कम टाइम लगती है बनाने में। इसे आप बहुत दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें। अच्छे लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन बजाना ना भूलें। उससे क्या होगी, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है सबसे पहले आपको मिलेगी। तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी। थैंक यू।